आज मैं पूरी कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ, जिसको हम रसा भी बोलते हैं। और ये कचौड़ी के लिए आलू निकाल दिया, उसकी मैं रसा बना लेती हूँ आलू का। आलू में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पूरा मतलब मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम कट कर लेंगे बारीक। इसका हम सब्जी बनाने वाले हैं, जो हम आलू में डालेंगे प्याज को, जिसे हम आलू की सब्जी या आलू का रसा बोलते हैं, जो पूरी से खाएंगे हम। मैंने मिर्ची और प्याज काट लिया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें हम डाल देंगे जीरा। हम अच्छे से फ्राई करेंगे। गाजर हमारा हरी मिर्च, अब हम आलू डाल देंगे। और इसे हम उबाल लेंगे थोड़ी देर, 10 मिनट तक पक जाएगी हमारी आलू। पूड़ी के साथ खानी है तो पतली ही सब्जी अच्छी लगती है। सब्जी अब हमारी बन रही है, बन जाएगी 15 मिनट में। सब्जी अब हमारी बन चुकी है, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे थोड़ी सी बस। इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हरा धनिया डाल लेंगे, हमने हरा धनिया डाल दिया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। सब्जी अब हमारी तैयार है। अब हम पूड़ी कचौड़ी तैयार करते हैं। पूड़ी कचौड़ी के लिए मैंने आटा को लगा रखा है। अब हमने ये धनिया और हरी मिर्च प्याज काट लिया, जिसे हम आलू में डालेंगे, जिसकी हम कचौड़ी बनाएंगे। नमक डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे, जीरा डाल लेंगे, आप डाल भी सकते हो नहीं भी। लाल मिर्ची पाउडर डाल लेंगे थोड़ी सी, थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हमें कचौड़ी बनानी है आटे में, जो हम फिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये आलू की चटनी अब तैयार है, इसे हम आटे में भर के कचौड़ी बनाएंगे। ये हमारी कचौड़ी बन रही है। इसे हम ऐसे बेलेंगे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से। अब इसमें हम जो आलू की चटनी बनाए हैं, इसको इसमें हम रखेंगे यहाँ पे। फिर ऐसे करके मोड़ के यहाँ हल्के हाथ से दबाएंगे। देख सकते हो आप, ये हमारी कचौड़ी बन गई है, जिसे हम तलेंगे अभी। इसे हम रिफाइंड में बना रहे हैं। इसे हम हल्के ऐसे इसमें डालेंगे। कचौड़ी तो हमने बना लिया, अब हम पूड़ी सेक रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसे हम चला लेंगे। ये कचौड़ी और ये पूड़ी अब हमारी रेडी है। हमारी सब्जी और हमारी कचौड़ी पूड़ी तैयार है।